आप इंडिया न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। और चंडीगढ़ में बम धमाके से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और दो संदिग्ध आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। धमाके और संदिग्धों का सीसीटीवी भी सामने आया है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट जो है वो निकल कर सामने आई है, जहां आपको बता दूं कि चंडीगढ़ में बम धमाके में जो एक संदिग्ध है उसको पुलिस पकड़ने में कामयाब रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता रहा हूं, जहां चंडीगढ़ में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है और जिस तरीके से यह हमला हुआ उसमें एक संदिग्ध को पकड़ने में पुलिस कामयाब रही है, जबकि अभी भी बाकियों की तलाश जारी है। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 के पॉश एरिया में रिटायर्ड प्रिंसिपल के घर पर ग्रेनेड अटैक हुआ, जिससे घर में 7 से 8 इंच का गड्ढा पड़ गया, खिड़कियों के शीशे टूट गए। 3 हमलावर ऑटो से आए थे और वारदात के बाद उसी ऑटो से भाग निकले। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। धमाके की सूचना मिलते ही चंडीगढ़ पुलिस में हड़कंप मच गया। डीजीपी सुरेंद्र सिंह यादव की अगुवाई में आईजी राजकुमार, एसएसपी कवरदीप कौर समेत भारी पुलिस फोर्स घर पर पहुंची। जांच के लिए मौके पर बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीमों को भी बुलाया गया। धमाके में इस्तेमाल सामग्री की जाँच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। वहीं चंडीगढ़ पुलिस की टीमें हमलावर की तलाश के लिए पंजाब और हरियाणा रवाना हो गई है। चंडीगढ़ के साथ पंचकुला और मोहाली को भी हाई अलर्ट पर अब रखा गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की टीम भी जांच के लिए मौके पर पहुंच गई थी और घटना के बाद दो संदिग्ध युवकों की तस्वीर भी जारी की गई। पुलिस टेरर और गैंगस्टर एंगल पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सेक्टर 10 के मकान नंबर 575 में ये घटना हुई। ये घर एक रिटायर्ड प्रिंसिपल भूपेश मल्होत्रा का है और घटना के समय परिवार घर के बरामदे में बैठा हुआ था। और हमलावरों की जो 3 तस्वीरें हैं वो भी सामने आई है, जिसमें 2 सीसीटीवी फुटेज है और एक तस्वीर है जिसमें 2 आरोपी नजर आ रहे हैं। वहीं इलाके को सील कर लिया गया है और परिवार से पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद शहर के अलग अलग महत्वपूर्ण स्थानों पर बैरिकेडिंग जो है वो की गई थी और इस घटना के पीछे कौन है इसका हालांकि अभी तक पता नहीं लग पाया है और किसी संगठन ने भी अब तक इसकी जिम्मेदारी जो है वो नहीं ली है। पुलिस के अधिकारी अभी आपको बता दूं परिवार से लगातार पूछताछ करते हुए नजर आए थे और उसके बाद भी ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या परिवार का किसी के साथ कोई विवाद है या फिर क्या कोई फिरौती या धमकी का फोन जो है वो आया है। पूछताछ में ये अब तक सामने आया है कि कोई फिरौती या धमकी का कॉल जो है वो नहीं आया था भूपेश मल्होत्रा या उनके परिजनों को, और पूर्व में भी कोई धमकियां जो हैं वो नहीं मिली थी। ऐसे में अब पुलिस के लिए ये बड़ा सवाल है कि आखिर इस मामले की गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए। ये ग्रेनेड से हमला जो है वो चंडीगढ़ के सेक्टर 10 जहां से सटे तमाम महत्वपूर्ण स्थान हैं वहां पर किया गया है और ऐसे में आरोपियों को तलाशने के लिए पुलिस लगातार गश्त कर रही है। दो मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मेरे साथ हमारे सहयोगी कुलबीर दीवान अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं, तो वहीं संजीव देशवाल जो कि डिटेक्टिव ऑफिसर हैं वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और इस पूरे मामले को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपडेट चाहूँगा आपसे कुलबीर कि क्या कुछ इस पूरे मामले में अब तक पुलिस के हाथ जो है वो लग पाया है। देखिए फिलहाल जो जानकारी एक मिल रही है सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि इस वारदात के पीछे खालिस्तानी एंगल जो है वो निकल कर सामने आ सकता है, उसकी संभावना जताई जा रही है। क्योंकि ये जिस घर पर ये अटैक हुआ है वो घर एक पंजाब पुलिस के एक रिटायर्ड ऑफिसर का ये घर है और जसकीरत सिंह चहल का जी उनका ये घर है और कुछ साल पहले तक वो यहाँ पर रहते थे और आतंकवाद का जब दौर था पंजाब में तब ये बताया जा रहा है कि
इन पुलिस अधिकारी ने काफी काम जो है आतंकवाद के खिलाफ किया था, और तभी से आतंकवादियों के निशाने पर ये अधिकारी रहे हैं। और इससे पहले भी इस घर की एक बार रेकी हुई थी, और उसमें यही एक एंगल सामने आया था कि इस अधिकारी की हत्या करने की योजना से, उस मकसद से ये रेकी जो है वो की गई थी। उस वक्त भी इस मामले की जांच जो है चंडीगढ़ पुलिस और पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट तौर पर की थी, और उस वक्त कुछ लोगों को पकड़ा भी था। उसके बाद ये घर जो है वो उक्त अधिकारी खाली कर जाते हैं यहाँ से। और फिलहाल ये जो घर है ये किसी किसी एक प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर जो है उस दंपत्ति को ये दिया हुआ था, और एक बार फिर इस घर पर जो है वो हमला हुआ है। तो ये बताया जा रहा है कि ये हो सकता है कि खालिस्तानी एंगल जो है, जिस तरह से पहले कोशिश की गई थी वही कोशिश एक बार दोबारा फिर की गई हो, इस संभावना के साथ कि वो उक्त अधिकारी जो है फिलहाल इसी घर में रहते हों, इस मंशा के साथ शायद ये हमला जो है इस तरह का एंगल सामने निकल कर आ रहा है। और चंडीगढ़ पुलिस ने सूचना देने वाले पर 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। 2 लाख का जी इनाम घोषित किया है। संजीव देशवाल डिटेक्टिव ऑफिसर है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी, मैं सबसे पहले आपसे वो प्रक्रिया समझना चाहूंगा कि जब ये ग्रेनेड से हमला हुआ, उसके बाद जैसे ही डायल 112 पर फोन किया गया तो पुलिस की टीम जो है वो वहां पर पहुंचती है, बॉम्ब स्क्वाड पहुंचता है, NIA की टीम पहुंचती है, FSL की टीम पहुंचती है, प्रक्रिया क्या होती है सबसे पहले इस तरीके के मामलों में? देखिए, हमारे देश के अंदर काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि चाहे वो आपका रेलवे ट्रैक के ऊपर मिलने वाले LPG सिलेंडर्स हों, सीमेंट के ब्लॉक हों, मैच बॉक्स हों, और इस तरीके से जो अभी NRI के कहते हैं कोठी के ऊपर सेक्टर 10 चंडीगढ़ में हमला किया गया हैंड ग्रेनेड से, इस इन्वेस्टिगेशन को समझने के लिए हमें क्राइम सीन की ज्योग्राफिकल मैपिंग करना बहुत जरूरी है। ज्योग्राफिकल मैपिंग करने का मतलब ये है कि जो क्राइम सीन पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया, क्या उसके तार पाकिस्तान या किसी कंठपंथी साजिश से या स्लीपर सेल से या किसी नए ग्रुप से जुड़े हुए हैं? क्योंकि जब ऐसी हरकतें होती हैं, ऐसी कहते वारदातें हमारे देश में जब होती हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हैंड ग्रेनेड की बात आती है और कुछ इस पे कहते हैं ऐसे वर्क की बात आती है जिससे कि हमारे देश में पक्ष विपक्ष के बीच में हमेशा हमला एक दूसरे पे होता रहता है, तो ये समझने वाली बात है कि क्या ये जो हमला है इसके पीछे कोई पाकिस्तानी साजिश है या फिर किसी को डराने की साजिश है या फिर कोई एक कंट्रपंथी साजिश है या कोई स्लीपर सेल एक्टिवेट हो गए हैं देश के अंदर ऐसी हरकतें करने के लिए जिससे कि देश के अंदर अस्थव्यवस्था कहते फैल जाए। क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन में साफ नजर आता है कि जब वो 3 अपराधी ऑटो से आते हैं तो इसका मतलब कि वो आसपास के ही किसी 50 किलोमीटर के रेडियस से ही लोग हुए आए हैं या उनको हायर किया गया है, क्योंकि किसी NRI से उन 3 ऑटो में आने वाले लोगों का अपना कोई आपसी मामला हो, इससे ज्यादा जरूरी ये देखना है कि क्या इनको हायर किया गया है या फिर ये कोई स्लीपर सेल एक्टिवेट हो गए हैं या फिर किसी ना किसी पाकिस्तानी साजिश की इसके अंदर कहते हैं साफ लग रहा है। क्योंकि हैंड ग्रेनेड जैसा हथियार किसी अपराधी के हाथ में आना ये आम बात नहीं है। हैंड ग्रेनेड तभी अपराधी के हाथ में आ सकता है जब किसी भारी देश की किसी खुफिया एजेंसी से इन अपराधियों के लेन देन या इन अपराधियों का कोई कहते हैं कनेक्शन हो। क्योंकि ऐसा अगर हम इतने दिनों से देख रहे हैं कि बार बार ऐसी साजिशें पिछले कुछ महीनों सालों से बढ़ गई हैं, चाहे फिर वो ट्रेन को कहते हैं उड़ाने की बात हो रही हो या कहते हैं अपना रेलवे ट्रैक को डिस्टर्ब करने की बात हो रही हो, इस तरीके से हम सारे के सारे जब क्राइम्स को देखते हैं तो कोशिश हमारी ये होती है कि क्या जो हैंड ग्रेनेड वाली हरकत या कार्रवाई है या स्लीपर सेल कहते हैं जो आपका एक्टिवेट हुए हैं जो रेलवे ट्रैक को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके अंदर कोई कनेक्शन नजर आ रहा है? तो ये तो ज्योग्राफिकल मैपिंग हो गई संजीव जी, इसके नेक्स्ट क्या स्टेप होता है ये आप बताइए। देखिए, नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर वहां पे मान लीजिए कि 3 लोग आते हैं ऑटो से, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने कहीं से मूवमेंट की होगी, कहीं बस स्टॉप पे उतरे होंगे, कहीं किसी से ऑटो लिया होगा, ऑटो वाले को भी ट्रैप किया होगा, ऑटो वालों को स्पेशली कोई ऐसा पैसा दिया गया होगा या ऑटो वाला भी उसी स्पेशली कहते हैं इस रीजन से ही कहते हैं इनके साथ कहते हैं जुड़ गया है कि वो पहले से स्लीपर सेल है और अब उनके साथ एक्टिवेट हो गया है। क्योंकि हाँ, ये जब आप बोल रहे हैं तो जो CCTV भी सामने आया संजीव जी, उसमें नजर आ रहा है कि वो जिस ऑटो से उतरे हैं और उन्होंने हमला किया है, बाद में उसी ऑटो से वो वापस जाते हुए नजर आए हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ऑटो चलाने वाला व्यक्ति उनके साथ मिला हुआ है।
अब होता क्या है कि क्या ये ऑटो चोरी का है या चोरी करके इस ऑटो को कहते इन्वॉल्व किया गया है या सच में ही कोई ऑटो चलाने वाला ड्राइवर इनके साथ इन्वॉल्व है। अगर ऑटो चलाने वाला ड्राइवर इनके साथ इन्वॉल्व है तो ये दो तरीके से साजिश हो सकती है। पहली साजिश ये हो सकती है कि ये कहीं ना कहीं किसी तरीके की आतंकवादी कहते गतिविधियां हों जिसमें स्लीपर सेल एक्टिवेट होने के बाद और ये ऑटो वाला भी स्लीपर सेल का ही एक पार्ट हो और ये सब कहते हैं इस तरीके की तकलीफ दे रहे हो कि भाई चंडीगढ़ में किसी एनआरआई के यहाँ पे बम ब्लास्ट कर देते हैं, क्योंकि उस बम ब्लास्ट के अंदर देखिए कोई जान मान के हानि नहीं हुई है लेकिन शोर बहुत मचा, बहुत बड़ा मैसेज गया कि हैंड ग्रेनेड से हमला हुआ एक एनआरआई की कोठी के ऊपर। तो इस तरीके के हमलों से क्या एक डर पैदा किया जा रहा है एक कहते हैं विशेष वर्ग के अंदर। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी गतिविधियां ये जितनी कहते हैं क्राइम हुई है ये सब अलग अलग कहते हैं साफ नजर आ रहा है कि ये चंडीगढ़ का केस अलग है और जो कहते हैं ट्रेन के ऊपर कहते हैं जो इस तरीके के अटैक होने की दोनों अलग अलग केसेस है। ठीक है, मैं संजीव जी आपके पास आता हूँ, ये पूरा हम समझेंगे कि आखिर किस तरीके से जो जांच एजेंसियां हैं वो आरोपी तक पहुंचेंगी आपसे। लेकिन मेरे साथ लगातार कुलबीर भी जुड़े हुए हैं। कुलबीर, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस जगह पर ये हमला किया गया और जैसा कि संजीव जी ने कहा कि जान का कोई नुकसान नहीं हुआ इसमें, केवल जो क्षति है वो घर को पहुंची है, तो क्या ये मैसेज देने के लिए किया गया हमला जो है वो था? और पुलिस की जांच में क्या ये बात सामने आ रही है? क्योंकि अगर आप हैंड ग्रेनेड से हमला करते हैं तो और वहां से निकल जाते हैं तो अगर वो जो हमलावर है वो चाहते तो जो अंदर घर में मौजूद लोग थे उनको भी नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसको लेकर पुलिस की जांच क्या कह रही है कि क्या ये केवल एक मैसेजिंग था? और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जिस लोकेशन पर ये हमला हुआ ये चंडीगढ़ के सबसे पॉश एरिया में से एक है, तमाम जो MLAs हैं पंजाब और हरियाणा के उनके आवास आसपास हैं, VVIP मूवमेंट इस तमाम इलाके में जो है वो लगातार रहती है। जी बिल्कुल, काफी सेंसिटिव एरिया है सिक्योरिटी के हिसाब से भी और आसपास का एरिया की यदि बात करें तो पंजाब हरियाणा के मंत्री और MLA जो है वो इस एरिया के आसपास रहते हैं, क्योंकि दो और तीन सेक्टर जहां पे दोनों मुख्यमंत्रियों की रिहायश भी है सरकारी, वो भी इसके पास ही है। लेकिन और PGI यहाँ पर है और चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पर है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो काफी सेंसिटिव एरिया है सिक्योरिटी के लिहाज से। और जहां तक मैसेज की बात की जा रही है कि क्या मैसेज देने की कोशिश की है, तो पुलिस ने फिलहाल एक संदिग्ध को इसमें जरूर गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस अभी टाइट लिप्स है ज्यादा जानकारी देने के मामले में, क्योंकि अभी जांच जो है वो पूरी नहीं हो पाई है और असल आरोपियों तक पुलिस पहुंच नहीं पाई है, इसलिए अधिक जानकारी देने से गुरेज पुलिस कर रही है। लेकिन